सर आप थैंक यू सामने ठीक है सो द थॉट एक्चुअली स्टार्टेड अराउंड 6 to 8 months बैक वंस यू नो आई वाज इन दिस एरिया सो सडनली अ कॉल फ्रॉम माय पेशेंट केम एंड he belonged to that area and luckily I was in that area at that time so then he told me that there was I realized that there were so many kidney patients transplant patients who started calling at very particular day and I had no idea that we had so many kidney problems in this adjoining area so then this thought started I shared this thought with our Fortis group the team and they also liked it yes we should provide our whole services as far as the kidney is concerned to this area so that led triggered the whole thing and that is why we are here along with our radiation oncology services and I think we'll try our level best to give a comprehensive care to the patients kidney patients as well as the patients of the oncology in this area I am coming to Jammu for oncology taking part in oncology conferences or classes lene ke liye bachcho ko padhane ke liye 2012 se main aa rahi hu har saal 2-3 baar to mera visit ho hi jata hai patients bhi kafi hai yahan se jo aate hain जम्मू आई वुड लाइक टू से जम्मू में पिछले 2011 से लेकर आज 24 तक काफी एडवांसेस हुआ है ऑन्कोलॉजी में न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स आए हैं एंड इट्स वेरी गुड जम्मू इज डन वेरी गुड इन ऑन्कोलॉजी लेकिन फिर भी ऑन्कोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें टीम वर्क की जरूरत है बहुत सारे फैसिलिटीज हर हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है कोई भी हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज पॉसिबल नहीं है इसलिए हमें सबको एक साथ काम करने की जरूरत है क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कैंसर में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए चाहे वो गरीब हो या अमीर हो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और वो तभी हो सकता है अगर हम सबको साथ में मिलकर काम करें जो जम्मू में अवेलेबल नहीं है वो हम देंगे जो हमारे पास नहीं है वो और कोई देगा तो ऐसे ही हमें मिलके काम करना चाहिए ऑन्कोलॉजी में और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस शुरुआत में अगर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है ट्रीटमेंट में क्योर होने के चांसेस घट जाता है जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी पहला स्टेज दूसरा स्टेज में ठीक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है और एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाता है पहला स्टेज से तीसरा स्टेज चौथा स्टेज आ जाता है फिर ठीक होने के चांसेस घट जाते हैं और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए जो गोल्डन पीरियड है शुरुआत में हमें कैंसर को पकड़ना है और इसके लिए भी हमें कैंसर जो स्पेशलिस्ट है हमें ही पहला स्टेप लेना चाहिए हमें सबको बताना चाहिए कि कैंसर की हम कब डायग्नोस करें कब हम शक करें कौन सा सिम्टम हमें हो कि तब हमें कैंसर के लिए जांच कराना चाहिए ये सारी चीजें हमारे शेयर करने का हमारा विचार है इसलिए फोर्टिस हम यहाँ पे आए हैं एंड अलोंग विद स्टारमेड हॉस्पिटल शी इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड सो हम लोग साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं लेट्स होप वी गिव द बेस्ट टू ऑल द पेशेंट्स ओवर हियर और हमारे पास अभी MRI लिनैक मशीन आई है ये इंडिया में दूसरी ही है अगर हम नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया लेते हैं कहीं भी नहीं है ये मशीन और ये अभी तक द फाइनेस्ट मशीन है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि सभी पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स इसका फायदा उठा सकता है और चूंकि ये पहला मशीन है इसलिए हमने जिससे कि सबको इसको अप्रोच कर सके इसलिए हमने प्राइस भी बहुत कम रखा है ऑलमोस्ट सिमिलर टू लिनियर एक्सेलरेटर तो ये सारी बातें हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं और हम महीने में एक बार जरूर आएंगे कि हम सबसे बात कर सके जो पेशेंट्स फॉलोअप के लिए आना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं वो आके हम डिस्कस कर सके विद इन द स्पैन ऑफ आई थिंक 1 year वी आर गेटिंग इनटू दिस कि एटलीस्ट हमारा भी डे केयर सेंटर ही है तो फ्यूचर में प्लान्स हैं उसको इलैबोरेट करने के हमारे पास अपना स्टार मेड्स की मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी है ऑल स्पेशलिटीज अवेलेबल है मल्टी स्पेशलिटीज में
नाउ वी आर कोलैबोरेटिंग विद फोर्टिस, सो और हम होराइजन कर सकते हैं इसको, और ब्रॉडन अप कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली कैंसर में शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होती है, ये मान के चलना है. लेकिन हम सभी पेशेंट्स को बोलते हैं, अगर आपके कोई सिम्टम्स हो, जैसे कि गला बैठ जाना, कहीं पे कोई गांठ दिख रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग आना, चाहे महीने के रास्ते से हो, मुंह से हो, कफ से हो, यूरिन से, पेशाब के रास्ते से हो, कहीं से ब्लीडिंग आना या पानी आना, और कहीं पे कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, बुखार है, वेट लॉस है, वजन घट रहा है, तो इस तरह की कोई भी सिम्टम जो 3 हफ्ते तक नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है. इसे हम बोलते हैं कैंसर रूल आउट करना. कोई सिम्टम अगर 3 हफ्ते से कोई नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, एक बार जरूर राय लेना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि शुरुआत में पता चले इट इज क्योरेबल, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल. देखिए खास में आपको मैं बता रहा था कि जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा 1 से 7, 4 से 6 पेशेंट उसी दिन मेरे को फोन करने लगा. मुझे रियलाइज हुआ शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, शायद एक होलिस्टिक केयर की जरूरत है और एक्सपर्टीज की भी जरूरत है. हो सकता है कि जैसे हम हमारे फोर्टिस अस्पताल में एक होल केयर करते हैं, पेशेंट आया उसका कारण, जैसे मैम ने बताया कि कोई भी क्रॉनिक बीमारी, कोई भी क्रॉनिक कैंसर ही नहीं, कोई भी बीमारी, ये किडनी बीमारी भी क्रॉनिक है, कैंसर भी क्रॉनिक बीमारी है, ये चीजें अगर पहले पकड़ी जाएं तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं. वैसे किडनी बीमारी को अगर आप टाइमली पकड़ लें तो वो पूरा उम्र बिना डायलिसिस के हो सकता है पेशेंट बच जाए, हो सकता है उसे कभी ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना पड़े. जब मैंने यहां देखा कि यंग लोग ट्रांसप्लांट करा के खड़े हैं, वो कह रहे थे जी हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, देन आई रियलाइज कि शायद वो अगली पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए. शायद पेशेंट वेट करता है कि वो बीमारी बढ़ जाती है तब पता लगता है. तो एक पर्पस तो ये है कि यहाँ आके अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम अगली पकड़ पाए उसको, उनको बता पाए कि देखिए ये बीमारी है, अगर वो इलाज यहाँ पे हो सकता है वेरी वेल एंड गुड, उसको यहीं किया जाए. अगर वो सुविधा इसके आगे और एक्सपर्टीज की जरूरत है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि आप हमारे पास आके वहां वो एक्सपर्टीज का यूज करें. क्योंकि आजकल ये सारी एक्सपर्टीज इतनी महंगी नहीं रही जो आज से कई साल पहले थी. अब एबी इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, जिसका ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट अगर कोई आपका फैमिली रिलेशन आपके ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता, देना चाहता है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम वो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं. ये यहाँ लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, कैसे फिस्टुला का केयर करना है, डायलिसिस पेशेंट का कैसे केयर करना है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. आज मैं हूं, हो सकता है कल हमारे साथ डायलिसिस के लिए और भी सर्जन आए, वो देखें कि भैया डायलिसिस फिस्टुला केयर कैसे किया जा सकता है. तो ये तो एक शुरुआत है जिसको हम चाहते हैं कि बढ़ाएं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि किडनी बीमारी, कोई भी क्रॉनिक बीमारी, लाइफ का अंत नहीं है. ये आपको इसके साथ मेडिकल सपोर्ट के साथ आप पूरा जीवन अच्छी तरह सुखमय तरह से व्यतीत कर सकते हैं. दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दैट इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने स्टेप टू पे कर सकते हैं. पहले हम आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम आ कहां रही है. अगर हम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फिर हो सकता है कि सेकंड स्टेप पे हम फोर्टिस ग्रुप की मदद से यहाँ की गवर्नमेंट के साथ कुछ अलाइन कर सकें, जिससे यहाँ के पेशेंट्स को कुछ ऐसी सुविधाएं अच्छे रेट पे मिल सकें और अच्छी सुविधाएं मिल सके, चाहे वो फोर्टिस आके मिले या यहाँ कोई कोलेबोरेशन किया जा सके. वो मेरे हिसाब से स्टेप टू होगा. पहले स्टेप वन हम करें, आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, फिर स्टेप टू पे चलें.